सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। समांतर और लंब रेखाओं के सभी जोड़ों को पहचानें। तो यहाँ पे हमें कुछ रेखाएं दी गई हैं और हमें पहचाननी है कि इनमें से कौन से जोड़े रेखाओं के समांतर हैं और कौन से लंब हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं समांतर रेखाओं से। तो समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो एक ही समतल में हो और एक दूसरे को प्रतिक्षेप ना करें। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये सारी रेखाएं जो हैं ये एक ही समतल में हैं। बस हमें ये देखना है कि ये एक दूसरे को प्रतिक्षेप कर रही हैं या नहीं। लेकिन ये हम सिर्फ देखकर नहीं बता सकते, हमें साथ ही साथ कुछ जानकारी भी दी गई होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ देखकर हम नहीं बता सकते कि वो प्रतिक्षेप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये ए बी है और ये सी डी है, ये अभी तो प्रतिक्षेप नहीं कर रही हैं लेकिन आगे जाके हो सकता है कहीं पे प्रतिक्षेप करें। तो हमें कुछ जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो 90 डिग्री का कोण है और ये जो 90 डिग्री का कोण है, ये दोनों कोण तो बराबर हैं। और ये जो रेखा एस टी है, ये रेखा सी डी पर लंब है और ये जो रेखा यू वी है, ये भी रेखा सी डी पर लंब है। तो मैं कह सकता हूं कि सी डी तो यहां पर एक त्रियच्छेदी रेखा की तरह काम कर रही है, जहां पे ये रेखा एस टी और ये रेखा यू वी इन दोनों पे समान कोण बना रही है 90 डिग्री का। तो संगत कोण के द्वारा, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो संगत कोण के द्वारा ये दोनों जो रेखाएं हैं एस टी और यू वी, ये दोनों तो समांतर होंगी। तो यानी कि हमें मिल रहा है कि एस टी रेखा और यू वी रेखा समांतर हैं। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें मिल रहा है कि एस टी रेखा जो है, यहाँ पर रेखा का चिन्ह दे देता हूँ मैं, ये समांतर है रेखा यू वी के। तो यहाँ पर रेखा यू वी के ये समांतर है। और यहाँ पे और कोई दो रेखा तो मुझे समांतर नहीं दिख रही हैं और कोई जानकारी भी नहीं दिख रही है। तो चलो अब हम बात करते हैं लंब रेखाओं की। तो यहाँ पर अभी अभी तो हमने बात की थी कि जो एस टी रेखा है ये सी डी रेखा पर लंब है। तो हमें सबसे पहले मिल रहा है कि एस टी रेखा जो है वो लंब है सी डी रेखा पर, और उसी तरह से ये जो यू वी रेखा है ये भी सी डी रेखा पर लंब है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यू वी रेखा भी लंब है सी डी रेखा पर। और यहाँ पे एक और मुझे 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो डब्ल्यू एक्स रेखा है ये लंब है ए बी रेखा पर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये जो डब्ल्यू एक्स रेखा है ये लंब है रेखा ए बी पर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेखा ए बी। और कोई तो मुझे 90 डिग्री यहाँ नहीं दिया गया है। और अगर बात करें ये ए बी और ये सी डी रेखा की, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं आगे जाके एक दूसरे से प्रतिक्षेप करने वाली हैं। तो यहाँ पे देख के तो मैं नहीं बता सकता कि ये प्रतिक्षेप करेंगी या ये समांतर हैं या ये लंब है। कम से कम हमें यहाँ पे ये वाला कोण देना चाहिए था। अगर ये वाला कोण हमें कुछ दिया होता तो हम इसके बारे में जानकारी निकाल सकते थे, पर यहाँ पे ये कोण या ये कोण हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम नहीं बता सकते कि ये ए बी रेखा और ये सी डी रेखा समांतर हैं या ये सी डी रेखा इस डब्ल्यू एक्स रेखा के लंब है। हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तीन जोड़े एक दूसरे पे लंब हैं। मान लो कि हमारे पास हैं दो समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे मैं दो समांतर रेखाएं बना लेता हूँ। तो ये दोनों हो गई दो समांतर रेखाएं, और यहाँ पे ये चिन्ह देके मैं दर्शा देता हूँ कि ये दोनों रेखाएं जो हैं ये समांतर हैं। और साथ ही साथ मान लो कि हमें एक त्रियच्छेदी रेखा भी दी गई है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिक्षेप कर रही हैं। और अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे एक कोण मुझे दिया गया है और इसका मान है 110 डिग्री,
तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस आकृति में बाकी जितने कोण हैं उनका मान क्या होगा? तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहां रोक कर खुद से कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अब अगर तुम ध्यान दो कि जब भी हमें दो समांतर रेखाएं और एक त्रिअच्छेदी रेखा दी जाती है तो हमें याद आता है संगत कोण। तो यहां पे ये जो एक त्रिअच्छेदी रेखा है और साथ ही साथ हमें दी गई हैं दो समांतर रेखाएं, तो यहां पे बनते हैं दो संगत कोण, एक ये है और एक ये है। ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं और ये दोनों का मान बराबर होता है, तो यहां पे ये कोण भी होगा 110 डिग्री। तो चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो ये मैं हटा देता हूं पहले, तो अब मेरी आकृति पहले जैसी हो गई। तो यहां पे ये जो कोण है ये संगत कोण के द्वारा इस कोण के बराबर है, यानी कि इसका मान है 110 डिग्री। अब अगर यहां पे इस 110 डिग्री कोण के सामने सम्मुख ये वाला कोण अगर हम देखें तो ये इसके सम्मुख है, ये इसका शीर्ष कोण है, या हम कहते हैं यह है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं, तो ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। और उसी तरह से इसके सम्मुख है ये वाला कोण, तो ये भी होगा 110 डिग्री। ये वाला तुम इसके सम्मुख कोण के हिसाब से 110 डिग्री लिख सकते थे, या इसके हिसाब से संगत कोण के द्वारा भी 110 डिग्री लिख सकते थे। अब बात करते हैं इस कोण की। अब ये जो कोण है, यहां पे मैं इसे गुलाबी रंग दे देता हूं, तो यहां पे ये जो हरा कोण है और ये जो गुलाबी कोण है ये दोनों मिलाकर इस सफेद रेखा पर आ रहे हैं, यानी ये है सीधा कोण। और अगर मैं कहूं कि ये हरा कोण और ये जो गुलाबी कोण है ये दोनों मिलाकर हमारे रेखीय युग्म कोण है, जिनका कुल कोण होता है 180 डिग्री। तो यहां पे अगर ये हरा कोण 110 डिग्री है तो इस गुलाबी कोण को होना होगा 70 डिग्री, तभी जाके ये दोनों होंगे रेखीय युग्म कोण या सीधा कोण, जिनका कुल माप होता है 180 डिग्री। अब एक बार हमें ये 70 डिग्री मिल गया तो इसके सम्मुख जो ये वाला कोण है ये तो हमें शीर्ष कोण के द्वारा 70 डिग्री मिल जाएगा। और एक बार हमें ये 70 डिग्री मिल गया, और अगर हम ध्यान दें इस त्रिअच्छेदी रेखा पर और इन दोनों समांतर रेखाओं पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो संगत कोण है, तो इसका मान भी होगा 70 डिग्री। तो चलो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हमारा पुराना चित्र वापस आ गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये इसके बराबर है और ये है 70 डिग्री। और एक बार ये आ गया तो फिर इसके सामने तो हमें सम्मुख कोण के द्वारा या शीर्ष कोण के द्वारा 70 डिग्री मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से इस आकृति में हमने संगत कोण और शीर्ष कोण और सीधा कोण इस्तेमाल करके ये सारे कोणों का मान निकाल लिया। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, तो मैं यहाँ दो समांतर रेखाएं बनाता हूँ, तो ये हो जाएगी हमारी पहली रेखा, इसे मैं नाम दे देता हूँ L, और यहाँ मैं बनाता हूँ अपनी दूसरी रेखा जो इस रेखा के समांतर है, और इसे मैं नाम दे देता हूँ M। तो अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर मैं एक और त्रिअच्छेदी रेखा बनाता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगी इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक त्रिअच्छेदी रेखा। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये कोण इसे मैं नाम दे देता हूँ एक्स, ये समांतर होता है, ये बराबर होता है ये वाले कोण के। इसे अगर मैं नाम दे देता हूँ वाई, तो हम जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, सर्वांगसम होते हैं संगत कोण के द्वारा। तो हम जानते हैं कि अगर अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, समझो कि जो रेखा L है वो समांतर है रेखा M के, तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो कोण है, ये जो कोण X है ये बराबर होता है कोण Y के। तो ये तो हम जानते हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल इसका उल्टा साबित करने की कोशिश करता हूँ, तो हम यहाँ सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों कोण, यानी कि हमें ये यहाँ सिद्ध करना है कि अगर अगर यहाँ पर ये दोनों कोण, ये कोण X जो है वो बराबर हो कोण Y के, तो हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो रेखाएं होती हैं, रेखा L और M, ये दोनों समांतर होती है। तो हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि रेखा L समांतर होती है रेखा M के। तो ये हम साबित करेंगे विरोधों के द्वारा। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं
कि जो x है वो y के बराबर है और ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हैं। तो तुम ये मान लो कि जो x है वो y के बराबर है। हम ये मान लेते हैं कि जो x है वो बराबर है कोण y के, और साथ ही साथ ये जो रेखा L है ये जो है ये रेखा M के समांतर नहीं है। तो चलो हम ऐसा मान लेते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पे हमने माना है कि जो कोण X और Y हैं वो बराबर हैं, पर ये दोनों रेखाएं L और M समांतर नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, अगर दो रेखाएं समांतर नहीं हैं तो वो प्रतिक्षेद करेंगी। तो चलो मैं यहाँ बनाता हूँ कि समझो कि ये है रेखा L, ये हो गई हमारी रेखा L, और हम बना लेते हैं हमारी रेखा M, और ये दोनों जो हैं वो समांतर नहीं हैं। तो मैंने यहाँ प्रतिच्छेद करा देता हूँ, तो समझो कि ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये है रेखा M। तो यहाँ रेखा L और M समांतर नहीं है, वो प्रतिच्छेद कर रही हैं। और यहाँ मैं बनाता हूँ अपनी त्रियक छेदी रेखा, तो ये हो जाएगी, मान लो कि ये हो गई हमारी त्रियक छेदी रेखा। तो यहाँ पर जो ये कोण है, ये वाला जो कोण है ये है हमारा कोण x, और जो ये वाला कोण है ये है हमारा कोण y। तो हमने ये माना है कि ये दोनों जो कोण हैं वो बराबर हैं। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि ये y जो कोण है वो बराबर है कोण x के। और चलो इन दोनों बिंदु को मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। तो इस बिंदु को यहाँ मैं नाम दे देता हूँ A, और यहाँ पर इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर B। तो ये बिंदु यहाँ पर भी है, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ A और इसे मैं नाम दे देता हूँ B। अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो A और B दो अलग-अलग बिंदु हैं, यहाँ पर भी A और B दो अलग-अलग बिंदु है। तो सीधी सी बात है कि जो उनके बीच की दूरी होगी, जो लंबाई होगी ए बी की, वो तो शून्य से ज़्यादा ही होगी। ये तो सीधी सी बात है क्योंकि ये दो अलग-अलग बिंदु हैं। तो ये तो हमें यहाँ दिख रहा है, पर हमें यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं L और M ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो चलो इसे मैं नाम दे देता हूँ बिंदु C। अब जरा तुम इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज ABC को देखो जो यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे ये कोण तो X है, और जो ये वाला कोण है ये वाला कोण कितना होगा? तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण का संपूरक कोण है, क्योंकि ये यहाँ पे है एक सीधी रेखा, ये कुल है यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये कोण जो है ये वाई है जो बराबर है एक्स के ही। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कोण है ये वाला कोण होगा 180 ऋण एक्स, और ये वाला जो आखिरी कोण है हमारे त्रिकोण का, त्रिभुज का, इसे हम मान लेते हैं कि ये है जेड। तो हमारे पास तीन कोण हो गए हमारे त्रिभुज के, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है 180 ऋण एक्स, और ये रहा जेड। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योगफल होता है वो 180 होता है। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारे पास इन तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो होगा यहाँ पे हमारे पास x धन ये कोण है 180 ऋण x, 180 ऋण x, यहाँ पे है धन ये वाला कोण है z, और तीनों कोणों का ये x 180 ऋण x और ये z, इन तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो x और ऋण x है ये तो आपस में यहाँ कट जाएंगे, और अगर दोनों तरफ मैं 180 से घटा दूँ तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो z है, जो कोण z है वो हमें मिलेगा शून्य, यानी कि कोण z का जो मान है वो हमें मिल रहा है शून्य डिग्री। तो ये तो कुछ अजीब बात हो गई कि एक त्रिभुज के कोण का मान है शून्य डिग्री, तो वो त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनेगा, यानी कि ये बिंदु C या ये शीर्ष इस त्रिभुज का नहीं होगा। और अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर ये जो कोण है Z अगर ये शून्य डिग्री हो गया तो इस रेखा L और इस रेखा M में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा, ये दोनों तो आपस में मिल जाएंगी। क्योंकि समझो अगर मैं यहाँ बनाता हूँ रेखा L और साथ ही साथ रेखा M भी बनाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ रेखा M तो ये तो बिल्कुल साथ में ही हो जाएगी, तभी तो जाके इनके बीच में कोण शून्य होगा, यानी ये दोनों तो एक ही रेखा हो जाएगी। लेकिन हमने तो माना था कि ये जो L और M है ये तो अलग-अलग रेखा है, तो यहाँ पे भी विरोध हो रहा है। और एक और विरोध देखो कि अगर ये कोण शून्य हो जाएगा तो ये दोनों रेखाएं चिपक जाएंगी, और फिर यहाँ पे जो बिंदु A और बिंदु B जो अलग-अलग थे वो भी एक ही हो जाएंगे। और अगर वो बिंदु एक हो गए तो AB की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो तो शून्य हो जाएगी। पर हमने यहाँ देखा था
कि AB की जो लंबाई है वो तो शून्य से ज्यादा है। तो तुम देख रहे हो यहाँ कितने विरोध हो रहे हैं कि अगर Z शून्य हो गया तो ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा, ये दोनों रेखाएं एक ही होंगी, या AB जो है ये अलग अलग नहीं है, एक ही बिंदु होंगे, उनके बीच में दूरी शून्य ही होगी। तो ये तो बहुत सारे विरोध हो रहे हैं। और ये विरोध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने ये माना था कि XY बराबर कोण है और L जो है वो M के समांतर नहीं है, ये हमने यहां माना था। और ये मानने के जरिए हमें यहां पे बहुत सारे विरोध मिल रहे हैं, मतलब ये हमने जो यहां पे माना था वो गलत है। तो अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? सही यही है जो यहां ऊपर था। तो यानी कि अगर X और Y कोण बराबर है तो रेखा L और रेखा M को समांतर होना ही है, यानी ये हमने यहां विरोधों के द्वारा सिद्ध कर दिया। तो अब हमें दोनों तरह से पता है कि अगर दो रेखाएं L और M समांतर हैं तो ये दोनों जो संगत कोण होते हैं X और Y वो बराबर होते हैं। और उल्टा भी हमने देख लिया कि अगर दो संगत कोण X और Y बराबर हैं तो ये दोनों जो रेखाएं हैं L और M ये समांतर होती हैं। तो यहां पे संगत कोण सीधा और उल्टा दोनों ही तरीके से हमने साबित कर दिया। जाना कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है एक देश की सीमा के अंदर जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, यदि उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए और मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन की वैल्यू को घटा दिया जाए तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल कर आती है। इसके साथ साथ हमने राष्ट्रीय आय की तीन धारणाओं को भी जाना। पहली धारणा थी GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, जो कि एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं या सेवाओं का, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद या GDP में शामिल करते हैं। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट जाना था GNP का, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि GDP की जो वैल्यू हमने निकाली, यदि उसमें से हम प्लस कर दें विदेशों से प्राप्त आय को,
तो हमारी GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आता है। तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम GNP की वैल्यू में से यानी कि ग्रॉस राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारा NNP निकल कर आता है। तो बच्चों कल हमने इन तीन विषयों के बारे में जाना, इन धारणाओं के बारे में जाना। अब हम आज चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से की जाती है, हम किस तरह राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को अगर नापना है या मापना है तो उसका एक सूचकांक होता है उस देश की राष्ट्रीय आय। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो वह देश उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाएगी, तो चलो बच्चों अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना हम कैसे करेंगे। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें एक चक्रीय प्रवाह को जानना होगा जो अर्थव्यवस्था में चलता है। तो चलो हम चक्रीय प्रवाह को देखते हैं। अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है। इस चक्रीय प्रवाह में क्या तीन चीज़ें आती हैं, पहला है उत्पादन, आय और व्यय। अब हम इस चक्रीय प्रवाह को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन जब पांचों साधन उत्पादन के आपस में मिलते हैं तो ये उत्पादन करते हैं और उत्पादन प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में होती है और उस उत्पादन के बाद इनकम जेनरेट होती है या आय सृजित होती है, लोगों को आय मिलती है अपने काम के बदले। जो भी हम श्रम करते हैं, हम अपना श्रम लगाते हैं या अपनी पूंजी लगाते हैं या हम अपनी भूमि उत्पादन कार्य के लिए देते हैं तो उसके बदले हमें कभी लगान के रूप में, कभी ब्याज के रूप में, कभी मजदूरी या वेतन लाभ, इन सब के रूप में आय मिलती है। आय मिलने के बाद हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस आय को खर्च करते हैं तो वह आय फिर व्यय होती है उन्हीं उत्पादित माल को खरीदने के लिए। तो फिर व्यय के बाद में वह पैसा वापस कहाँ चला जाता है, प्रोड्यूसर्स के पास यानी उत्पादकों के पास। फिर वापस से उत्पादन प्रक्रिया होती है और फिर इनकम जनरेट होती है, वो हम लोग के पास आती है, फिर हम आय उस आय का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और व्यय करते हैं और फिर वापस से वो व्यय उत्पादकों के पास जाता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में यह चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है, अर्थात उत्पादन होता है, उत्पादन से आय का सृजन होता है, आय का इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय के रूप में करते हैं और फिर वह पैसा वापस से उत्पादकों के पास जाता है। तो बच्चों अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो इन तीन कंपोनेंट्स या इन तीन घटकों के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और तीन प्रकार हैं। पहला है यदि हम कुल उत्पादन को जोड़ लें, जितना उत्पादन हुआ ठीक है उसे हम उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि कहते हैं तो हम राष्ट्रीय आय की गणना कर पाएंगे। दूसरी तरफ यदि हम सिर्फ आय की तरफ देखें कि हम जितनी भी इनकम हुई है उस इनकम को अगर हम जोड़ लें, एक अर्थव्यवस्था में वहाँ के नागरिकों की कुल आय को यदि हम जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं और उस विधि को हम आय विधि के नाम से जानते हैं। और तीसरा घटक है व्यय, यानी कि यदि हम एक अर्थव्यवस्था में जितना भी व्यय हुआ है उस व्यय को, चाहे वह निजी क्षेत्र का व्यय हो, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय हो, किसी भी तरह का व्यय है, अगर हम उस पूरे व्यय को जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो तीसरी विधि हमारी हुई व्यय विधि। तो बच्चों हमने ये जाना कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम इन्हीं तीनों घटकों का इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रीय आय गणना की हमारी तीन विधियां होती हैं। बच्चों परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय गणना की कितनी विधियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय गणना की तीन विधियाँ हैं। पहला है उत्पादन गणना विधि, दूसरा है आय गणना विधि और तीसरा है व्यय गणना विधि।
अब हम इन तीनों विधियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि। इस विधि में सबसे पहले हम उत्पादक उद्यमों की पहचान करते हैं एवं उनका वर्गीकरण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में ऐसे कितने उद्यम हैं या एंटरप्राइजेस हैं जो उत्पादन कार्य कर रहे हैं, और उनकी पहचान करने के बाद हम उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उन्हें विभिन्न ग्रुप्स में बांटते हैं। तो ये हमारे सामने तीन प्रमुख क्षेत्र निकल कर आते हैं, या तीन इसके ग्रुप्स हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, बच्चों, इसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम कृषि और उससे संबंधित अन्य आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं, जैसे वन, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि। तो यह है क्षेत्र, बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइडर सेक्टर भी है, यानी कि यह अन्य क्षेत्र को, यानी द्वितीय क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अब हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण यानी कि उद्योगों को शामिल करते हैं। इसमें वृहद आकार के उद्योग यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, या कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी हम द्वितीय क्षेत्र में ही शामिल करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो भी कच्चा माल उपलब्ध कराता है उसका इस्तेमाल करके द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गन्ना प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है और उस गन्ने का इस्तेमाल करके विनिर्माण के माध्यम से चीनी, गुड़ का प्रोडक्शन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र में होती है, लेकिन उससे मिलने वाले रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल उद्योग द्वितीय क्षेत्र का ही एक अंग है। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सर्विसेज प्रोवाइड करता है या सुविधाएं देता है। यह सुविधाएं किस प्रकार की होती हैं, जैसे संचार की सुविधा, यातायात के साधनों की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, बीमा, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसके साथ साथ हम एक बात और जानते हैं कि जो देश ज़्यादा अल्प विकसित होते हैं वहाँ पर प्रायः यह देखा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा कार्यबल में लगी होती है, यानी वहाँ की जनसंख्या का बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र में ही रोजगार के लिए आधारित होता है। लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता, ज़्यादातर स्थिति में ऐसा देखा गया है। और द्वितीय क्षेत्र जितना विकास करता है अर्थव्यवस्था का विकास उतना ही तेजी से होता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है या रोजगार के अवसर देता है। और तृतीय क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है किसी भी देश की GDP या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में। तो बच्चों, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि में सबसे पहला स्टेप है हमारा उत्पादक उद्यमों की पहचान करना और उनको वर्गीकृत करना इन तीनों क्षेत्रों में, कि वह प्राथमिक क्षेत्र में जाएगी आर्थिक क्रिया, या द्वितीय क्षेत्र में जाएगी, या फिर तृतीय क्षेत्र में जाएगी। यह काम कर लेने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, शुद्ध उत्पादन मूल्य की गणना, यानी कि उत्पादन की जो वैल्यू है उसको हम बहुत एक्यूरेसी से या नेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब यह शुद्ध उत्पादन मूल्य क्या होता है, इसको जानने के लिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं। तो शुद्ध मूल्य वृद्धि में सबसे पहले हम उत्पादन का मूल्य लेते हैं। उत्पादन का मूल्य क्या हुआ कि जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, यानी कि उसकी क्वांटिटी को यदि हम उसकी कीमत यानी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्पादन का मूल्य निकल आएगा।
लेकिन इस उत्पादन के मूल्य में से हमें मध्यवर्ती उपभोग को माइनस करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये मध्यवर्ती उपभोग है क्या? बच्चों, मध्यवर्ती उपभोग का तात्पर्य है कि जब भी हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कई स्टेज में होता है। तो ऐसी स्थिति में जिस वस्तु के वैल्यू को हम पहले शामिल कर चुके हैं, हो सकता है कि उस वस्तु की वैल्यू को हम दोबारा, तिबारा या चार या पांचवी बार भी उसको हम ऐड कर लें। तो उस चीज से बचने के लिए हम हमेशा मध्यवर्ती उपभोग की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मध्यवर्ती उपभोग को जानेंगे हम सबसे पहले कि ये होता क्या है। मध्यवर्ती उपभोग यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मध्यवर्ती उपभोग इसमें हम सबसे पहले लेंगे, सपोज किसी किसान ने उत्पादन कार्य किया है ना, तो सबसे पहले गेहूं का उत्पादन हुआ या वीट का प्रोडक्शन हुआ जिसकी वैल्यू है 1600 रुपये। ठीक है, किसान ने 1600 रुपये का गेहूं का उत्पादन किया। अब उस गेहूं को एक मैदा बनाने वाले व्यक्ति ने खरीदा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में हमारा मैदा बना। तो जब मैदा बनाने के लिए उसने गेहूं पहले खरीदा, तो गेहूं उसने 1600 रुपये का खरीदा, तो 1600 उसका कॉस्ट था। उसमें उसने कुछ बनाने के क्रम में मूल्य वृद्धि की, यानी कि जब हम नया उत्पादन करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ में हमें थोड़ा सा और कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो वो और कॉस्ट बेयर करने के क्रम में हमने ये 2400 रुपये का कुल हो गया उसका उत्पादन। तो 2400 रुपये का उत्पादन हुआ और 1600 रुपये का उसका क्या था, वीट था। तो 2400 में से अगर हम 1600 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आया बच्चों, 400 + 400 यानी कि 800। तो 1600 में उसने 800 रुपये और लगाए और मैदा का उत्पादन हुआ, यानी कि 800 रुपये की मूल्य वृद्धि की उसने। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है हमारा, बेकर ने अब मैदा बनाने वाले से, बेकर ने खरीदा मैदा क्योंकि उसको आगे ब्रेड बनानी है। तो ब्रेड बनाने के लिए उसने 2400 का मैदा खरीदा और 3000 की टोटल उसने मूल्य वृद्धि की। तो 2400 को हम 3000 से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी मूल्य वृद्धि उसने और की, कितनी वैल्यू उसने और ऐड की है। तो 3000 - 2400 = 600 यानी कि 600 रुपये। तो बेकर ने 600 रुपये की मूल्य वृद्धि की। अब उसके बाद में चौथा, अब ब्रेड बना ली बेकर ने, लेकिन हम डायरेक्ट जाकर जो प्रोड्यूसर है, जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके पास डायरेक्ट जाके तो सामान नहीं खरीदते, वो आगे सप्लाई करता है रिटेलर्स को। और हम जो आम आदमी, जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग रिटेलर से जाकर वो सामान खरीदते हैं। तो जब रिटेलर के पास वो सामान पहुंचा तो उसकी वैल्यू और बढ़ी। तो ये और वैल्यू क्यों बढ़ी, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ नहीं है, लेकिन बेकर के पास से रिटेलर के पास वो सामान जब आता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है ना। फिर वो अपना, जो रिटेलर है वो अपना भी कुछ मुनाफा कमाएगा, तो वो सब जोड़ के अब कुल मिलाकर उस ब्रेड की वैल्यू कितनी हो गई, 3200 रुपये। उसने ली कितने में थी, 3000 में, लेकिन उसकी वैल्यू हो गई 3200। ठीक है, 3200 वैल्यू हो गई। तो अब हम 3200 में से 3000 को माइनस किया हमने, तो कितना आया हमारा, 200 रुपये। तो कुल मिलाकर आखिरी जो हमारा स्टेप आया, जो कि रिटेलर के पास पहुंचा सामान और रिटेलर के पास से सीधा उपभोक्ता उसे खरीदेगा, यानी कि वो ब्रेड जो है वो क्या हो गई,
अंतिम उपभोग, ठीक है, तो 200 रुपए की मूल्य वृद्धि हुई। तो अगर हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे और अगर हम इन सभी स्टेप्स पर जितनी भी मूल्य वृद्धि हुई सबको अगर हम एक साथ जोड़ लेंगे, जैसे 1600 प्लस 2400 प्लस 3200 सॉरी प्लस 3000 प्लस 3200, तो हमारी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन जो पहले स्टेप में हुआ वही गेहूं का उत्पादन इस मैदा बनाने के क्रम में इस्तेमाल हुआ 1600 रुपये। उस 1600 रुपये से अब उसने 800 रुपये मैदा बनाने वाले ने इसमें मूल्य वृद्धि की और उसकी वैल्यू हो गई 2400 रुपये, ठीक है। फिर ये 2400 रुपये सीधा बेकर का कॉस्ट है, इसमें इसने 600 रुपये की मूल्य वृद्धि की है तो आपकी ये वैल्यू 3000 हो गई। उसके बाद नीचे हम देखते हैं कि रिटेलर के पास 3000 में ब्रेड आ गई, लेकिन उसने उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अपना मुनाफा या लाभ को जोड़कर वो 200 रुपये और उसमें ऐड करके 3200 रुपये तक पहुँची। तो जो हमारा फाइनल जो प्राइस है, जो हमारी फिनिश्ड गुड है, यानी अंतिम फिनिश्ड गुड का मतलब हुआ वह वस्तु जो उपभोक्ताओं के पास या कंज्यूमर्स के पास फाइनली कंजम्पशन के लिए पहुँचती है, तो उस वो जो ब्रेड है वो हमारी फाइनल या फिनिश्ड गुड है जिसकी वैल्यू 3200 है। लेकिन हम जब गणना करते हैं उत्पादन की या राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम डायरेक्ट फिनिश गुड्स यानी कि जो वो वस्तु जो उपभोक्ता को फाइनली कंजम्पशन के लिए मिली है उस वस्तु की वैल्यू को ऐड कर लें, यानी कि 3200 रुपये को ऐड करें, ठीक है, या फिर जो मूल्य वृद्धि हुई है सिर्फ उसको ऐड करें, जो रॉ मटेरियल पे जो खर्च हुआ है उसको हम शामिल ना करें। या दूसरा तरीका है कि हर स्टेप पर, उत्पादन के हर स्टेप पर जितनी भी मूल्य वृद्धि हुई है उसकी वैल्यू को हम जोड़ लें। तो पहले स्टेप पर कितनी मूल्य वृद्धि हुई 1600 रुपये की, ठीक है, दूसरे स्टेप पर कितनी मूल्य वृद्धि हुई 800 रुपये की मात्र, 1600 रुपये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर काउंट कर लिए हैं इसलिए हम दोबारा उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी और राष्ट्रीय आय हमें अपनी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो अब हमने दूसरे स्टेप में हुई मूल्य वृद्धि यानी कि 800 रुपये को ऐड किया। उसके बाद हमने तीसरे स्टेप पर हम आते हैं, तीसरे स्टेप पर बेकर ने कितनी मूल्य वृद्धि की है मात्र 600 रुपये की, ठीक है, तो हमने इस 600 रुपये को ऐड करेंगे। उसके बाद चौथा स्टेप है हमारा रिटेलर, यानी कि जब हम उपभोक्ताओं के पास वस्तु आने के लिए तैयार है अगर, तो उस समय जो मूल्य वृद्धि हुई है वो है हमारी 200 रुपये। तो अब बच्चों हम इन चारों को अगर ऐड करें तो हमारा जो सम निकल कर आएगा वो होगा 3200 रुपये, ठीक है, और ये वैल्यू, ये 3200 रुपये वैल्यू हमारी इस फाइनल वैल्यू जो फाइनल फिनिश गुड की जो वैल्यू है उसके बराबर है। तो अगर हम बात करें कि टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ तो 1600, अगर चारों स्टेप में अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1600 प्लस 2400 प्लस 3000 प्लस 3200, ये सब मिलकर हमारा जो वैल्यू आई ये टोटल वैल्यू हुई, लेकिन इसमें से हमें मध्यवर्ती उपभोग को की वैल्यू को माइनस करना होगा तब जाकर हमारा ये 3200 रुपये निकल कर आएगा। मध्यवर्ती उपभोग को हम उत्पादन के मूल्य से माइनस करेंगे जिसको अभी हमने जाना। उसके बाद हम इसमें से मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करेंगे। मूल्यह्रास का मतलब है जब भी हम उत्पादन करते हैं तो जिन भी मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं उसमें टूट फूट घिसावट इत्यादि होता है तो उसकी वैल्यू को हम माइनस करेंगे। उसके बाद हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी की वैल्यू को माइनस करते हैं। जो भी प्रोडक्शन होता है उस पर सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है। बच्चों आपने किसी भी प्रोडक्ट को देखा होगा उस पर प्राइस लिखा होता है MRP और उसके साथ ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि उसकी कीमत में सभी प्रकार के करों को शामिल किया जाता है,
और यह कर उत्पादन होने के बाद ऐड होते हैं, इसलिए इस कर की वैल्यू को भी हम माइनस करते हैं, तब हमें शुद्ध मूल्य वृद्धि यानी कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमें पता चलता है। इसके बाद हम तीसरा स्टेप इसमें शामिल करते हैं, वह है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की गणना, यानी कि हमारे देश में यदि जो विदेशी यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं और हमारे देश के नागरिक बाहर जो उत्पादन कर रहे हैं या बाहर से जो उनको इनकम हो रही है, उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और उसे हम अपनी राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं। तो बच्चों, ये तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद जो वैल्यू हमें निकल कर आती है वह वैल्यू राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहलाती है। तो हमने अभी उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि के बारे में जाना, इसके बाद हम चर्चा करेंगे आय विधि की, आय गणना विधि। आय गणना विधि के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो आय, आय क्या है? जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जब वह उत्पादन कार्य में संलग्न होते हैं तो अपने कार्य के बदले या अपने पारिश्रमिक के बदले उन्हें जो आय होती है उसे हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे श्रम देने वाले को मजदूरी मिलती है, यानी श्रमिक को मजदूरी मिलती है, भूमि के बदले लगान दिया जाता है, पूंजी के बदले ब्याज दिया जाता है, लाभ होता है साहसी को। तो इस विभिन्न प्रकार की आय को जोड़कर भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इसमें हम किन कॉम्पोनेंट्स को लेंगे या किन चीज़ों को हम इसमें शामिल करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मजदूरी को शामिल करेंगे, ठीक है। इस मजदूरी में ये टर्म दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम के लिए हमने एक टर्म मजदूरी यूज कर लिया है, यानी कि वेजेस और सैलरीज, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लगान को जोड़ेंगे, यानी कि भूमि के प्रयोग के बदले जो भी रेंट मिलता है उसे शामिल करेंगे। फिर हम ब्याज यानी कि पूंजी के इस्तेमाल के बदले मिलने वाला इंटरेस्ट या ब्याज उसे ऐड करेंगे। लाभांश, लाभांश क्या होता है? यानी कि लाभ, है ना, ये लाभ की बात को हम इसमें ले रहे हैं। लाभ में जैसे कि आप सब जानते हैं कि शेयर्स लॉन्च करती है कंपनी, क्योंकि किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए भारी मात्रा में वित्त या फाइनेंस की आवश्यकता होती है और यह फाइनेंस उत्पादक या प्रोड्यूसर्स के पास सारा अपना ही पैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं, तो वह ऐसी स्थिति में शेयर्स को लॉन्च करता है और उन शेयर्स को कोई भी व्यक्ति जो खरीदना चाहे वह खरीद सकता है, शेयर्स के रूप में अपनी पूंजी को लगाता है। और उन शेयर्स के बदले जब लाभ होता है तो उसका कुछ अंश डिबेंचर्स या लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है। तो शेयर होल्डर को मिलने वाला लाभांश या डिबेंचर उसकी इनकम है, तो उसकी इस इनकम को हम शामिल करेंगे। इसके बाद अवितरित लाभ को हम शामिल करेंगे। अवितरित लाभ का मतलब है कि कोई भी कंपनी जब प्रोडक्शन करती है तो वो अपने प्रॉफिट का पूरा भाग साहसी लाभ को अपने पास नहीं ले लेता, बल्कि वह उसका कुछ भाग अवितरित रखता है, जो भाग वो उस उत्पादन की के विकास के लिए या उसकी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगाता है, तो इसे हम ऐड करेंगे। इसके अलावा निगम लाभ कर की वैल्यू को भी हम ऐड करेंगे। निगम लाभ कर क्या होता है? इसे हम कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। सरकार जो भी उत्पादक होते हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, निगम कॉरपोरेशंस हैं, उनके प्रॉफिट पर टैक्स लगाती है। यह एक प्रत्यक्ष कर होता है जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर को अपने प्रॉफिट में से देना होता है, तो इसके भाग को भी हम राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं। इसके अलावा इसमें हम सार्वजनिक क्षेत्र के अवशेष को लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का अवशेष से तात्पर्य है कि जितने भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं वो जो उत्पादन करती हैं उसके बदले उनको भी इनकम होती है, तो वो इनकम जो है, जो सरप्लस इनकम होती है, यानी कि लागत को घटा देने के बाद जो बचता है वह सरप्लस इनकम होती है, इसे भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं।
इसके बाद हम मिश्रित आय को जोड़ते हैं। अब मिश्रित आय एक नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? मिश्रित आय में जैसे कि कुछ व्यक्ति स्वयं अपना खुद का रोजगार करते हैं, यानी कि स्वरोजगार। जैसे किसी ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया तो उसने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई कारपेंटरी का काम करता है, तो उससे उसको विभिन्न प्रकार की आय होती है। तो स्वरोजगार वाली आय को हम भी राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं। उसके अलावा हम इसमें फाइनली विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को भी जोड़ लेते हैं। तो फाइनली हमारी इन सभी कंपोनेंट्स को जोड़ने से राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। तो बच्चों, आय गणना विधि के अंतर्गत हम उत्पादन के साधनों को होने वाली सभी प्रकार की आय को यदि हम जोड़ लें, या देश के नागरिकों को जिस भी प्रकार की आय हो रही है यदि हम उस आय को जोड़ लेते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। इसके बाद तीसरी विधि है हमारी व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि का तात्पर्य है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि जितने भी अर्थव्यवस्था में व्यय किए जाते हैं उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इसमें हम किन किन कंपोनेंट्स को लेंगे? सबसे पहले अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय का मतलब है जो वस्तु हम अंतिम उपभोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने मध्यवर्ती उपभोग की जब चर्चा की थी तो हमने ब्रेड की चर्चा की थी कि ब्रेड जो है वो हमारी फिनिश्ड गुड है, यानी कि वो उपभोक्ता के पास अंत में डायरेक्ट कंजम्पशन के पास आती है। तो इस तरह की वस्तुओं पर जो व्यय होता है उसे हम अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। तो यह अंतिम उपभोग व्यय निजी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। इन दोनों ही उपभोग व्यय को हम शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें सकल स्थायी पूंजी निर्माण की वैल्यू को ऐड करेंगे। अब ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब क्या है कि जो भी हम उत्पादन या एंटरप्राइज शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरीज की, कल पुर्जों की, उपकरणों की ज़रूरत होती है। तो उन कल पुर्जों को, उन उपकरणों को खरीदने पर जो व्यय होता है उसकी वैल्यू को भी हम इसमें शामिल करते हैं। तीसरी चीज़ आती है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम इसमें जोड़ेंगे। इसके बाद हम इसमें से मूल्यह्रास को की वैल्यू को माइनस कर देंगे। मूल्यह्रास का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को जब हम उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के क्रम में मशीनरीज में टूट फूट होती है, रिपेयरमेंट कराना पड़ता है, तो वो टूट फूट और रिपेयरमेंट पे होने वाला व्यय एक तरीके की लागत है, तो इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। और फाइनली हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को, या वह कर जो सरकार हमारे प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पर सरकार कुछ टैक्सेस लगाती है, उन टैक्सेस की वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल के आएगी। तो यह राष्ट्रीय आय जो है इसे अगर हम टेक्निकली कहें तो ये हो जाएगी NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को जानने के बाद अब हम ये चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है। राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनसे डेटा कलेक्ट करता है या आंकड़ों को संकलित करता है और उसके उपरांत राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण है, वह है प्रति व्यक्ति आय का। तो बच्चों, प्रति व्यक्ति आय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को होने वाली या मिलने वाली आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, वह है प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है
इसमें हम देश की कुल राष्ट्रीय आय को लेते हैं। राष्ट्रीय आय और उसे हम डिवाइड करते हैं देश की कुल जनसंख्या से। तो प्रति व्यक्ति आय को देश की कुल जनसंख्या को डिवाइड करते हैं और हमारी प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम निकल कर आती है। तो बच्चों, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना? राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार किन किन विधियों के माध्यम से की जाती है और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।